बहादुरगढ़ में देर रात एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई एकड़ में फैली पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई, जिसमें फैक्ट्री मालिक को 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक बहादुरगढ़ के टांडा हेड़ी गांव के पास एशियन पैकेजिंग नाम की फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में गत्ता और टेप बनाने का काम किया जाता था। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है। जैसे ही पता चला कि फैक्ट्री में आग लगी है तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक और सापला से करीब 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं, जिसके बाद सुबह तक आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक फैक्ट्री में रखा कच्चा एवं तैयार माल और मशीनरी जलकर राख हो चुका था। तो वही फैक्ट्री मालिक ने बताया कि पिछले लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। आग में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। कल रात को 12 बजे मेरे को सूचना मिली थी और यहाँ के वर्कर्स का फ़ोन गया था, जो यहाँ रहते हैं लड़के, कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है। वो शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से ही लगी होगी शायद। और उसके बाद मैं आया, जब तक फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दिया था, पुलिस भी आ गई थी, पुलिस ने भी कॉल कर दिया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड करीब 1 बजे के आसपास पहुँचे हैं, तो जब तक फैक्ट्री में पूरी में ही आग फैल चुकी थी और करीब करीब सुबह तक वो लगे रहे हैं। 25-30 चक्कर उन्होंने लगाए हैं फायर ब्रिगेड ने, उसके बाद ही काबू पाया गया है। इसमें सारा रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बिल्डिंग भी कोलैप्स हो गई है। तो कितने नुकसान का एक आशंका, एक अनुमान आपके? देखो, अभी तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, करीब 4-5 करोड़ रुपए का अंदाज़ा है लॉस का। बाकी अभी स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह और सारी वो चेक करेंगे तभी एग्जैक्ट फिगर पता चलेगी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में देर रात आग लगने की वजह से अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बहादुरगढ़ से जगदीप राजयान, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।